हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम जाने वाले पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक पश्चिमी वर्धमान के सफर पे। यह बंगाल के पश्चिमी छोर पे बसा है, जिसका मुख्यालय आसनसोल शहर में स्थित है, जो कि दामोदर नदी के किनारे बसा है। आसनसोल बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि भारत में 33वें स्थान पर आता है। यूके की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का 11वां सबसे तेज ग्रोइंग सिटी है। वहीं ये पूरे विश्व में 42वें स्थान पर आता है। दोस्तों, आसनसोल राजधानी कोलकाता से 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर 226 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की आबादी 3 लाख से भी अधिक की है। ये वर्धमान डिवीजन के अंतर्गत आता है, जो कि छोटा नागपुर के पठारों पर स्थित है। दोस्तों, पश्चिमी वर्धमान 8 ब्लॉक और 2 सब डिवीजन से मिलकर बना है, जिसमें दुर्गापुर सब डिवीजन और आसनसोल सदर सब डिवीजन शामिल है। यहाँ 75.18% हिंदू, 21.26% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। ये छोटा नागपुर के पठारों पर स्थित है, जिसका अधिकतर हिस्सा झारखंड में आता है। और छोटा नागपुर के पठारों पर धनबाद और बीरभूम के बाद पश्चिमी वर्धमान सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला है। दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यहाँ का स्टील इंडस्ट्री भारत में काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यहाँ का आसनसोल रेलवे डिवीजन ईस्टर्न जोन में सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के आर्थिक गतिविधियों में काफी अहम योगदान देता है। दोस्तों, ये जिला बीरभूम, पूर्वी वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आवागमन की बात करें तो आसनसोल रेलवे स्टेशन कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट के रूट पर स्थित है, और यह भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। इसके साथ साथ आसनसोल रेलवे डिवीजन ईस्टर्न इंडिया के सबसे पुराने रेलवे डिवीजन में से एक है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह राष्ट्रमार्ग 19 और 14 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। साथ ही ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी हिस्सा है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहां के नज़दीकी एयरपोर्ट काजी नजरुल इस्लामी एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में जाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। जिसमें आप यहां के माइथॉन डैम, गैलेक्सी मॉल, गुंजन इकोलॉजिकल पार्क, शताब्दी पार्क, चंडी माता मंदिर और आप यहाँ के आश्रम रोड और जीटी रोड के आसपास के मार्केट को विजिट करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।